तीन छोटे पिग्स। एक समय की बात है, एक जंगल में पिग्स का एक घर था। उस घर में चार पिग्स रहते थे, एक माँ और उसके तीन छोटे बच्चे। जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन माँ ने उनको अपने पास बुलाया। प्यारे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। आज तक मैं तुम्हारी देखभाल कर रही थी, पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो और अपने काम खुद करना सीखो। इसलिए आज से तुम तीनों को ये घर छोड़कर अकेले रहना होगा। माँ की बात सुनकर तीनों पिग्स अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद वे रात को आराम करने के लिए एक जगह रुक गए। भाइयों, हमको रहने की कोई तो जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे खुले में तो सुरक्षित नहीं लग रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, हम तीनों को अपने लिए घर बनाना चाहिए। अब हम तीनों बड़े हो गए हैं, तो हमको अपने लिए अपनी पसंद से अलग अलग घर बनाने चाहिए। हम लोग आसपास ही तीनों घर बना लेते हैं। चलो कल से ही ये काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह पिग्स ने घर बनाने के लिए जगह पसंद कर ली। वो एक बड़ा सा हरा भरा मैदान था, जिसके पास पानी के लिए एक तालाब भी था। पहला पिग बड़ा आलसी था, वो जल्दी से जल्दी काम पूरा करना चाहता था। घर बनाना तो बड़ी मेहनत का काम लग रहा है, अगर मैं भूसे से घर बनाऊं तो वो हल्का भी रहेगा और भूसा उठा के लाने और घर बनाने में मेहनत भी कम लगेगी। ऐसा सोचकर वो पास ही रहने वाले एक किसान से भूसा खरीद लाया। वहीं दूसरा पिग भी थोड़ा आलसी था, उसने भी जल्दी काम पूरा करने के लिए लकड़ियों से घर बनाने की सोची। वह एक लकड़हारे से थोड़ी लकड़ियां खरीद कर ले आया। तीसरा पिग बहुत मेहनती और समझदार था, उसने सोचा चाहे ज्यादा मेहनत और समय लगे पर घर तो मजबूत बनना चाहिए। इसलिए उसने ईंटों का घर बनाने का निश्चय किया। जब वह घर बनाने के लिए बाजार से सामान लेकर आया तो उसके दोनों भाइयों ने उसका मजाक बनाया। इतना समय लगा के घर बनाने की क्या जरूरत है, इसको तो बस बेकार में ही जरूरत से ज्यादा काम करने की आदत है। चलो हम तो जल्दी से अपना काम पूरा कर लेते हैं। पहले पिग ने भूसे से घर बनाना शुरू किया और एक ही दिन में घर तैयार भी हो गया। चलो घर तो बन गया, अब अंदर थोड़ा आराम किया जाए। दूसरे पिग को भी घर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा, दो दिन में उसका घर भी बनकर तैयार हो गया। वहीं तीसरे पिग ने पूरी मेहनत से सभी चीजों का ध्यान रखकर काम शुरू किया। उसको घर बनाने में पूरे 7 दिन लग गए, पर उसका घर बड़ा ही मजबूत और सुंदर बन गया था। कुछ दिनों के बाद एक दुष्ट भेड़िया उस मैदान के पास से गुजर रहा था। उसने पहले पिग को खाना लेकर अपने घर में जाते देखा। भेड़िये ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। क्या घर में कोई है? जरा दरवाजा तो खोलना। भेड़िये की आवाज सुनकर पहले पिग ने दरवाजे के छेद से झांका। भेड़िये को बाहर खड़ा देखकर वह बहुत डर गया। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अरे कैसे नहीं खोलोगे, मैं अभी तुम्हारे घर को ही उड़ा देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िये ने जोर से फूंक मारी। पहले पिग का भूसे का घर टूट गया। जैसे ही भेड़िया पिग को पकड़ने के लिए लपका, वह भाग निकला। वह जल्दी से भागता हुआ दूसरे पिग के पास पहुंचा। अरे क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? एक भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। भेड़िये ने दूसरे पिग का दरवाजा खटखटाया। क्या घर में कोई है? जरा दरवाजा तो खोलना। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अच्छा तुम सोचते हो कि दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िये ने जोर से फूंक मारी। दूसरे पिग का लकड़ियों का घर भी बिखर गया।
भेड़िये से भागकर दोनों पिग तीसरे भाई के पास पहुंचे। उसको भी उन्होंने भेड़िये के बारे में बताया। तुम दोनों बिल्कुल भी मत डरो, वो भेड़िया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भेड़िया अब तीसरे पिग के दरवाजे के बाहर पहुंचा। तीन तीन पिग्स के बारे में सोचकर ही उसकी लार टपक रही थी। भेड़िये ने तीसरे पिग का दरवाजा खटखटाया। क्या घर में कोई है? जरा दरवाजा तो खोलना। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतनी बड़ी बड़ी बातें, अभी तुम तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िये ने पूरा जोर लगाकर फूंक मारी, पर ईंटों से बने मजबूत घर पर कोई असर नहीं हुआ। भेड़िये ने कई बार कोशिश करी, पर वह एक भी ईंट हिला नहीं पाया। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर सब तरफ से घर पर लात और घूंसे चलाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर भेड़िया चालाकी दिखाकर छत पर चढ़ गया और चिमनी के रास्ते अंदर घुसने लगा। छत पर से आती आवाजें सुनकर तीसरा पिग भेड़िये की चाल समझ गया। उसने तुरंत चिमनी के नीचे आग लगा दी। नीचे उतरते ही भेड़िये का पांव आग में पड़ा, तो वह चिल्लाता हुआ उल्टे पांव चिमनी से निकलकर भाग गया। तीसरे पिग की बुद्धि को बाकी दोनों भी मान गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए, हर काम पूरी मेहनत और लगन से पूरा करना चाहिए।